फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ही, आई होप कि कई लोग तो आंसर कर चुके होंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे द माइंड हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन अडेप्टेशन टू एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो पियाजे का कहना था कि मन की अलग अलग संरचनाएं होती हैं जो अनुभवों के अनुकूल होने में मदद करती हैं, तो उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर माइंड की बात हो रही है, ठीक है, हमारे मन की, यहाँ पर मन है, वैसे हमारे दिमाग की बात हो रही है, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये सारे टर्म्स ही जो है पियाजे से रिलेटेड है, स्कीमा, इक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन फटाफट आंसर करो क्या होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा, ठीक है। हमारे दिमाग में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, होती क्या है, बेसिकली अपने एनवायरनमेंट से हम जो भी चीज़ सीखते हैं ना, वो सब आपका स्कीमा है। आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब आपका स्कीमा है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि आप सुन रहे हैं कुछ, मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक स्कीमा है, ठीक है। अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में पता है, तो वो भी एक स्कीमा है, ठीक है। अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं, आप चम्मच से खाना खा रहे हैं, तो वो भी स्कीमा है। आपके सामने प्लेट रखी है, उस प्लेट का भी एक स्कीमा आपके दिमाग के अंदर है। मतलब जो भी आप जानते हैं ना, वो सब आपका स्कीमा है, ठीक है। ये स्कीम्स हमारे दिमाग में बनती चली जाती हैं और ये हेल्प करती हैं, ठीक है। अब देखो दिमाग में ऐसे ही नहीं बनती, ये ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ठीक है, एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज हो जाती है। जैसे ही हमारे सामने कोई चीज आएगी, तो हमारा ये स्कीमा जो है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, हम चीजों को कर पाते हैं, या फिर जो हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज है उनको कर पाते हैं, है ना। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, तो उसका मतलब है संतुलन। जब हमें कोई नई चीज हमने देखी और ठीक है, हमने आराम से उसको एडजस्ट कर लिया अपनी पुरानी स्कीम में, ठीक है, तो वो प्रोसेस तो कहलाता है एसिमिलेशन। अगर आपने कोई नई चीज़ देखी है, लेकिन आपके पास पुरानी कोई स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ फिट हो गई है इसमें, तो वो एसिमिलेशन है। लेकिन अगर वो फिट नहीं हो पाई, ठीक है, अगर आपको लगा कि नहीं ये चीज़ तो वो है ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने स्कीम को चेंज करके एक नई स्कीम को अपने दिमाग में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है एकोमोडेशन, और ये दोनों ही पार्ट हैं आपके अडेप्टेशन के, अडेप्टेशन के, ठीक है। अडेप्टेशन के दो पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगर आपको स्कीम चेंज नहीं करनी पड़ी तो एसिमिलेशन, अगर आपको स्कीम चेंज करनी पड़ी गई, नई नॉलेज आपको मिली है, तो एकोमोडेशन हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जो चलती रहती है, ये अगर ये चीज़ें आराम से हो जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर एसिमिलेशन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर एसिमिलेशन नहीं होता है तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। असंतुलन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, कि आपके दिमाग में असंतुलन हो जाता है कि अब क्या करें, अब क्या करना है, ठीक है। उसी के लिए आप एकोमोडेशन करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। इसके थ्रू, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू, हम संतुलन बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया है इनके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उनकी बात हो रही थी, स्कीम्स की बात हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पियाजे पर है। पियाजे'स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेट्स दैट ईगो सेंट्रिज्म डिक्रीजेस बाय द एज ऑफ, ठीक है। तो जो आत्म केंद्रता की भावना होती है बच्चे के अंदर, वो कौन सी उम्र तक कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, मतलब पियाजे के हिसाब से बताना, ठीक है। वैसे देखो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली हम पियाजे की बात कर रहे हैं, तो आपको पियाजे के अनुसार बताना है। तो आपको पता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, यानी कि जो हमारे बच्चे प्री ऑपरेशनल में होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, वो बच्चे ईगो सेंट्रिज्म शो करते हैं, है ना। और वो कहाँ तक होते हैं, आपके बेसिकली 7 ईयर्स तक जो है, 2 to 7 ईयर्स तक की वो स्टेज होती है। उसके बाद 7 onwards तो हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाती है ना। और पियाजे ने कहा था प्री ऑपरेशनल में जो ईगो सेंट्रिज्म है, यानी कि आत्म केंद्रता की भावना है, वो पीक पर होती है। मेरी मम्मी है, मेरा खिलौना है। अगर मेरी मम्मी की गोदी में कोई और बच्चा आ रहा है तो मुझे पसंद नहीं है, मैं चिल्लाऊंगा, मैं रोऊंगी, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये आत्म केंद्रता की है। अगर बच्चे को आपने बोला कि बेटा ऐसे नहीं बैठना, ऐसे डांस नहीं करना, ऐसे करना है, तो बच्चा जिद में आ जाएगा, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है। आप सामने वाले को समझता है कि कुछ नहीं पता, क्योंकि वो सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो मैं कह सकती हूँ, उसके जो सोच विचार है, उस तक बच्चे की पहुंच नहीं हो पाती है, बच्चा नहीं समझ पाता। बच्चा इस पूरी दुनिया को केवल अपने और अपने विचारों से समझता है, और इसीलिए उसमें आत्म केंद्रता की भावना आती है। उसको ये नहीं पता कि अगर मम्मी दूसरे बच्चे को गोदी ले रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मम्मी का बन जाएगा। उसको ये चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो ये कब हो जाती है, मतलब ये खत्म होने लगती है आपके 7 साल के बाद, ठीक है। जो सब जब कंक्रीट ऑपरेशन में आप एंटर कर जाते हैं, पियाजे ने बोला था, उसके बाद आप लॉजिकली चीजें समझने लग जाते हैं, लॉजिक्स क्रिएट हो जाते हैं आपके माइंड में। उसके बाद आप लॉजिक जब समझ जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें भी कम हो जाती हैं, है ना। उनको पता चल जाता है कि ठीक है भाई, मेरी चॉकलेट मेरे पास है, कोई नहीं ले रहा मेरे से, मैं खा लूंगा इसको, भले ये रखी है बट कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये मेरी चॉकलेट है, ओके। तो काफी चीजें जो है वो समझ में आने लग जाती हैं। तो
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, आंसर कीजिए, ठीक है। अब देखो बार बार मैं बोलूंगी नहीं, आंसर कीजिए, अंडरस्टूड है, आपको समझना है कि करना ही आंसर। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एडोलोसेंस डेवलप द एबिलिटी टू, ठीक है, मतलब पियाजे के अनुसार जो है औपचारिक परिचालन चरण, हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक परिचालन चरण, ठीक है, फोर्थ स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन की, कौन सी एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए। फर्स्ट है ऑपरेट बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस, संवेदी अनुभवों के आधार पर काम करते हैं। ऑपरेट ऑन ऑपरेशन, संचालन पर काम करते हैं। एग्जैक्ट हिंदी में आप बेसिकली देखिए ऑपरेशन, काफ़ी ऑपरेशन सीख जाते हैं और उन पर ऑपरेट करना शुरू हो जाता है। यूज सिम्बोलिज्म, प्रतीकवाद का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। एंड यूज कंक्रीट ऑपरेशंस, ठीक है, या फिर मूर्त संचालन का प्रयोग, या कह सकते हैं कंक्रीट ऑपरेशन, जो चीज़ आपके सामने मूर्त रूप में प्रेजेंट है उसको देख के जो है लॉजिकल चीज़ें करने लग जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट आंसर कीजिए। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझाती हूँ कैसे होगा। ये सेंसरी वाला तो आप भूल ही जाओ, सेंसरी वर्ड ही आता है यानी कि संवेदों के आधार पर, रिफ्लेक्सेस के आधार पर, ठीक है, सेंसेस के आधार पर, आईज नोज, आईज ब्लिंक करना या फिर सुनना समझना, ये सब चीज़ें सिर्फ आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। जब बच्चा जो है खुद बोल नहीं पाता है, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को, तो सेंसरी एक्सपीरियंस के बेस पर जो है वो ऑपरेट करता है, ठीक है, उसको टच, फील, साउंड, इन सब चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता है। अगर हम बात करें सिम्बोलिज्म की, प्रतीकों का, तो ये प्री ऑपरेशनल में होता है, ठीक है, बच्चा सिम्बल्स का यूज़ करता है, यानी कि स्टिक हो गई, उसी स्टिक को वो टीचर की डंडी भी मान लेता है, उसी स्टिक को जो है वो झाड़ू भी मान लेगा, उसी स्टिक से वो और भी काम कर लेगा, उसको बेलन बनाकर रोटियां भी बेलने लग जाएगा। तो मतलब सिम्बल्स का यूज़ करता है यहाँ पर प्री ऑपरेशन में बच्चे, ठीक है। ऐसे उसके पास टोपी है, उसी टोपी को बर्तन भी बना सकता है, पहनने के लिए हैट भी बना सकता है, तो सिम्बॉलिक प्ले आ जाता है यहाँ पर, मतलब सिम्बॉलिक प्रतीकों से खेलना शुरू कर देते हैं बच्चे। अब बात आती है यूज कंक्रीट ऑपरेशन, तो कंक्रीट नाम आ गया यानी कि मूर्त, जब आपके सामने चीज प्रेजेंट है, ठीक है, आपके सामने कुछ बटन्स प्रेजेंट है, आपको उन्हें 1 2 3 काउंट करना है, भाई फटाफट से काउंट करो इन बटन को और फिर इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो सबसे छोटा बटन है उसको आगे रखो, ये सब, तो ये चीज़ें बच्चा करता है कंक्रीट ऑपरेशन में, क्योंकि उसके सामने बटन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो मूर्त रूप से चीज़ें करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑपरेट ऑन ऑपरेशन, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन आर वी टॉकिंग अबाउट, ये बताओ फटाफट। यहाँ पे ऑपरेशंस की बात है, जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आपके जो है रीजनिंग हो गया, ये बड़े बड़े ऑपरेशंस जिसमें चाहिए होते हैं, ठीक है, एलजेब्रा जब आप लोग करते हैं, ठीक है, या फिर मेंसुरेशन आपका आ जाता है, जो आपकी गणित से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बहुत सारे ऑपरेशंस आपको करने पड़ते हैं, जो मतलब सामने आपके प्रेजेंट नहीं होगा पर मेंटली आपको थिंक करना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। सपोज आपके सामने कोई सिचुएशन दे दी कि भाई आज से 50 सालों के बाद जो है गाड़ियां कैसे चलेंगी, ठीक है, बच्चे को इस पे सोचना है, ठीक है, वो सोचेगा ना, कुछ तो ऑपरेशन वो दिमाग में चलाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके सामने मूर्त रूप से चीज़ प्रेजेंट नहीं है कि 50 साल बाद क्या होगा, लेकिन उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशन पे कि वो इस चीज़ को सोच सकता है, समझ कर सकता है और रीजनिंग भी कर सकता है इसके बारे में, ठीक है। और ऑपरेशंस बेसिकली यहीं पे वही बात है कि अलजेब्रा सीख लेगा, बहुत सारी चीजें सीख लेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, साइंटिफिक ऑपरेशंस होते हैं, सब वो करना सीख जाता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर रही हूं ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर समीपस्थ विकास बोल सकते हैं इसको, वाइगोत्स्की के बारे में आपने सुना ही होगा। हमारे देखिए पियाजे जो थे ना, एक चीज़ बता देती हूँ एक्स्ट्रा, ये फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो ये सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म से है। पियाजे फर्स्ट वेव से मतलब क्या है कि ये जो है ना कॉग्निटिव चीज़ों को, थिंकिंग को, इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बच्चे की थिंकिंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि बच्चा ही अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि वाइगोत्स्की कह रहे थे कि बच्चा नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन आप उसको उसके सोशल एनवायरमेंट से अलग नहीं कर सकते हैं, उसका जो सोशल कल्चरल एनवायरमेंट है उससे आप बच्चे को अलग कर ही नहीं सकते हैं, वो अपने आप में कैपेबल नहीं है, वो जब सोसाइटी में जाता है, अपने वातावरण से इंटरैक्ट करता है, तब वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन करता है। हालांकि उस नॉलेज कंस्ट्रक्शन में ये सोसाइटी, ये कल्चरल टूल्स, ये लैंग्वेज टूल्स सब उसका मतलब उसका वो प्रयोग करता है, उसके साथ वो नॉलेज क्रिएट करता है ना, मतलब अकेले अकेले अगर बच्चा जो है वो नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। लेकिन पियाजे की थिंकिंग इनसे थोड़ी सी अलग थी, खैर ये इनके डिफरेंसेस की बात है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि वाइगोत्स्की कौन थे, कंस्ट्रक्टिविज्म थे, लेकिन इनका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म था, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म था, लेकिन पियाजे फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसको हम ZPD भी बोलते हैं, इस सबसे आप काफी फैमिलियर होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो बताना है इसका मतलब क्या होता है। चलो फटाफट देखो और मुझे मतलब बताओ इसका।
ए चाइल्ड कैन डू एनी टास्क ऑन हिज अर्न, वो कोई भी काम कर सकता है अपने दम पर, ठीक है। ए चाइल्ड नीड्स असिस्टेंस टू कम्प्लीट ए टास्क, उसको सहायता चाहिए किसी काम को पूरे करने के लिए। ए चाइल्ड इज नॉट कॉग्निटिवली डेवलप्ड, बच्चा डेवलप ही नहीं है कुछ करने के लिए, ये कहता है ZPD। ए चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी टास्क, वो कुछ करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो ये तो छोड़ ही दो, है ना, ये ऑप्शन तो आपके देखते ही कट जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि बच्चे, और कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे कि बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजें जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट को फॉलो, कंस्ट्रक्टिविज्म को जो फॉलो करते हैं वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता ही है कि बच्चा अपने आप नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो देखिए, अब दो बचे हमारे पास। देखिए, ए चाइल्ड कैन डू एनी टास्क, ये भी ZPD नहीं कहता है, ठीक है। ZPD कहता है चाइल्ड नीड असिस्टेंस टू कंप्लीट ए टास्क, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, ये है बच्चा, ठीक है, ये चाइल्ड है आपका, इसको आप कोई टास्क दे दिया जो बच्चे के लेवल का है, हो गया, ठीक है। एक और सर्कल बना रही हूँ और एक मैं सर्कल और बना रही हूँ, ठीक है। दिस इज द पार्ट वेयर अ चाइल्ड कैन नॉट रीच, ठीक है, अपनी एज के हिसाब से। अब बच्चा है मान लीजिए 4 साल का है, अब मैं उसको कहूँ एलजेब्रा करना है, ठीक है, एलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करो, क्या कर पाएगा 4 साल के बच्चा? कभी भी नहीं कर पाएगा। तो ये जोन तो बच्चा टच ही नहीं करता है, लेकिन ये जो बीच का जोन है ना, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये बच्चा अपने आप तो इस अंदर वाले सर्कल तक है, लेकिन किसी की सहायता से ये बीच वाला जो मिडल जोन है इसको कंप्लीट कर सकता है, मतलब यहां तक पहुंच सकता है अगर हम उसको असिस्टेंस दें तो थोड़ी सी, ठीक है। सपोज बच्चों ने प्लस के क्वेश्चंस ठीक कर लिए हैं, अब उसके बाद प्लस की एक और कैटेगरी आपको इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन बच्चा अपने आप नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़ी सी असिस्टेंस देंगे, लेकिन प्लस का कॉन्सेप्ट तो आता है ना उसको, तो वो चीज भी वो सीख जाएगा। मतलब इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये बाहर वाला ये है कि बच्चा कुछ भी कर सकता है, भाई कुछ भी तो नहीं कर सकता है, एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मतलब अपने एज के अकॉर्डिंग वो चीजें कर सकता है, उस लेवल तक आप लेकर आ सकते हो, लेकिन एज से बाहर ही जाओगे, भाई एलजेब्रा में xy वेरिएबल्स को कैसे समझेगा वो, है ना। तो यानी कि ये होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा यहां तक सीख पा रहा है लेकिन आपको यहां तक पहुंचाना है, और ये रीच में भी है, मतलब पहुंच सकते हैं बच्चे, टीचर को पता है, तो टीचर थोड़ी सी हेल्प करेगा तो यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ZPD इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक लेवल है, ये कोई असिस्टेंस, ये हम नहीं कह सकते कि ZPD का मतलब असिस्टेंस होता है, नहीं, इसका मतलब ये एक लेवल है जहां तक बच्चा पहुंच सकता है, ठीक है। ए चाइल्ड नीड असिस्टेंट, मतलब ZPD का मतलब क्या है कि भाई बच्चे को असिस्टेंस चाहिए टू कंप्लीट ए टास्क इनिशियली, मतलब इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रही हूं जो यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, भाई शुरू में बच्चे को असिस्टेंस चाहिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ZPD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है मेरी तरफ से। नेक्स्ट है फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीम, भाई आपको नई इन्फॉर्मेशन फिट करनी है, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में आपको, फटाफट आंसर करो इसका, कि मौजूदा स्कीम में नई सूचनाओं को रखने को क्या कहा जाता है, ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिमिलेशन, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नई इन्फॉर्मेशन, सपोज वो कैट डॉग वाला एग्जाम्पल तो आपको सबको पता होगा, है ना। अब सपोज बच्चा जो है चम्मच से खाना सीख रहा है, ठीक है, चलिए चम्मच वाला एग्जाम्पल भी छोड़ देती हूँ, बताती हूँ। सपोज आपने साइकिल सीख ली, ठीक है, साइकिल सीख ली आपने, साइकिल के बाद आपको स्कूटी पकड़ा दी, आपने ये भी सीख ली क्योंकि आपको साइकिल चलानी आती थी, इसमें दो नई चीज ऐड करके आपने स्कूटी चलाना भी सीख लिया, लेकिन अब आपको बोला गया कि ये लो कार और आपको वर्बली समझा दिया गया चलो फटाफट चलाओ, तो क्या आप सीख पाएंगे? आप नहीं सीख पाएंगे। साइकिल और स्कूटी में दो टायर्स पे आपको बैलेंसिंग करना था, यहाँ पर आपको बैलेंसिंग से ज्यादा कुछ और स्किल्स की जरूरत होती है, वो स्किल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, नए स्कीमा में ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइकिल और स्कूटी का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, आपको स्कूटी में साइकिल का एक्सपीरियंस काम आ गया था, लेकिन आपको कार में जो है स्कूटी का साइकिल का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, आपको कार के लिए कुछ नए स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां पर आपका एकोमोडेशन हो जाएगा, लेकिन जब हम साइकिल से स्कूटी की तरफ गए तो हमें हैंडल संभालना, हमें बैलेंस करना, वो यहीं से आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन, तो यानी कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम, ठीक है। हमने स्कूटी, हमने पता चला कि भाई इसमें ऐसे ब्रेक है, साइकिल में भी ऐसे ब्रेक लगता है, दो ब्रेक होते हैं, उनको ऐसे खींच लो, उनको ऐसे प्रेस कर दो तो दब जाता है, एक राइट हैंड ब्रेक होता है, एक लेफ्ट हैंड ब्रेक होता है, तो मतलब ये चीजें आपने एडजस्ट कर ली इसमें, नई स्कीम मतलब नई इन्फॉर्मेशन को फिट कर लिया आपने अपने दिमाग में, ठीक है, ऐसे चलानी है, तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आगे आगे डिटेल में वो कर लेंगे आप कवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए। वाइगोत्स्की इम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। तो भाई वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि किस इनमें से किस चीज़ का बच्चे के जो लर्निंग है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है, हम ये कह सकते हैं, उन्होंने जोर दिया था इस चीज़ पर, ठीक है, तो वो बताना है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक कर ही देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सामाजिक, ठीक है।
मोरालिटी की अलग से बात नहीं की थी, हेरिडिटी की भी अलग से बात नहीं की थी, फिजिकल की भी बात नहीं की थी, उन्होंने बेसिकली सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की बात की थी कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी लर्निंग में। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें एक्सप्लेन करने का मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए। स्कैफोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? अभी आपने ZPT सुना था, अभी आपको स्कैफोल्डिंग बताना है, थोड़ी सी रिलेटेड से टर्म है ना, वो बताना है आपको। देखिए इसको मचान कहते हैं या कुछ और कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मुझे बताएं कमेंट में, ठीक है, स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो सिमुलेशन टीचिंग, रिकैपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, टेम्पोरेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, एसर्टेनिंग द कॉजेज ऑफ मिस्टेक्स डन बाई स्टूडेंट्स। तो भाई सिमुलेशन शिक्षण होता है, पिछले सीखने की पुनरावृत्ति होती है, वयस्कों द्वारा सीखने में अस्थायी सहायता दी जाती है, या फिर छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये होगा इसमें आपका सी, वयस्कों द्वारा सीखने में अस्थायी सहायता। इस पर थोड़ा सा टेम्परेरी पर जो है अपना ध्यान आकर्षित करिएगा थोड़ा सा। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सपोज कि आप एक टास्क कर रहे हैं, ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है, सपोज आप 2 डिजिट एडिशन कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है, सपोज 6 मान लीजिए पहले ये कर रहा है, ठीक है, आपने एक कैरी ओवर का क्वेश्चन सिखा दिया बच्चे को, 96 और ये सिखा दिया आपने कैरी ओवर का क्वेश्चन, ठीक है, आपकी सहायता से बच्चे ने कर लिया, आपने एक और क्वेश्चन दे दिया 8 0 7 9 6 4, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, आपने कहा कि चलो बेटा सोल्व करो, इसमें 2 डिजिट से इसमें 3 डिजिट तक पहुंचना है हमें, और पहुंच जाओगे आप आराम से, ठीक है, बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे, आप समझाएंगे कि पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, फिर ठीक है बच्चे ने कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आपने दिया, आप फिर देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे बच्चा कर पा रहा है, अगर बच्चा कर पा रहा है तो आप वहीं पर अपना सपोर्ट खींच लेंगे, आप वापस हट जाएंगे और बच्चे को करने देंगे, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बीच में प्रॉम्प्ट करेंगे, क्यूज देंगे, बच्चा उसमें हिंट देंगे उसको, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, और बच्चा स्टार्ट करेगा करना, और जैसे ही बच्चा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, वो करना लग जाता है, तो आप अपना सपोर्ट वापस खींच लेते हैं, इसी को बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग, ठीक है, दिस इज नॉट ZPD। ZPD क्या होता है, एक लेवल होता है, आप कहां तक पहुंच सकते हैं, ZPD इज लेवल, ठीक है, वो असिस्टेंस नहीं है, मतलब उसके अंदर असिस्टेंट दी जाती है उस लेवल तक पहुंचने में, लेकिन वो लेवल की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर पर्टिकुलर असिस्टेंस की बात हो रही है, टेम्पोरेरी सपोर्ट की बात हो रही है अडल्ट्स के द्वारा, वो अडल्ट उनके कोई भी भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, उनके माता पिता हो सकते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ टीचर्स ही हो, कोई भी हो सकते हैं, है ना, तो टेम्पोरेरी सपोर्ट जब हम देते हैं ऐसे इस तरह से सीखने में, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग बताते हैं, ठीक है, और ये वाइकोत्स्की के द्वारा दिया गया ही कंसेप्ट है, मतलब उनसे पहले दिया था किसी और ने, लेकिन वाइगोत्स्की जो है उनसे ज्यादा फेमस हुआ था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो 4 स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी, तो फटाफट बताइए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी है नीचे, ठीक है, मतलब जो प्री ऑपरेशन में बच्चे करते हैं, यह बताना आपको, फटाफट बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्मृति और कल्पना का विकास, समस्याओं के हल के लिए तर्क का उपयोग करना, ठीक है, रीजनिंग करना, बच्चे प्रतीकात्मक खेल में शामिल होने लगते हैं और प्रतीकों में हेरफेर करने लगते हैं, घटनाओं में तर्क के बारे में अधिक जागरूकता, ठीक है, तो देखिए इमेजिनेशन और मेमोरी का यहाँ पर रोल नहीं होता है, इतनी इमेजिनेशन थिंकिंग नहीं डेवलप होती है, एबल टू यूज लॉजिक, लॉजिक्स तो वो पहले प्री ऑपरेशन, पहले वो कंक्रीट ऑपरेशन में करेगा, कंक्रीट ऑपरेशन कंक्रीट चीज़ों के साथ, फिर वो फॉर्मल ऑपरेशन जाएगा, तब और हायर लेवल की लॉजिकल थिंकिंग होती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, मोर अवेयरनेस ऑफ लॉजिक, तो मैंने बताया ना लॉजिक्स तो उसको कंक्रीट में वो स्टार्ट कर देता है, अगर हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की बात करें उनसे रिलेटेड, और उसके बाद वो आगे भी पहुंच जाता है जिसमें वो उसको कंक्रीट चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया भी था कि सिंबॉलिक प्ले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और सिंबल्स की हेर फेर बदलना, मैंने आपको बताया था कि एक स्टिक है उसी से वो बहुत सारी चीज़ें कर लेगा, झाड़ू भी लगा देगा, उसको बेलन भी बना लेगा, उसके और भी चीज़ें बना लेगा और खेलना शुरू करेगा, अगर आपको इन चीज़ों पर डाउट है ना तो किसी भी बच्चे को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, अपने आप से बातें करते रहेंगे और खेलते रहेंगे, ठीक है, आपने कोई भी एक चीज़ें दी, आपने बॉल दे दी, उस बॉल से वो बहुत चीजें कर सकते हैं, उस बॉल को वो कुर्सी बनाकर भी बैठ जाते हैं, अगर मैं बड़ी बॉल की बात करूं, ठीक है, उस बॉल से वो फुटबॉल भी खेल लेंगे, उसको क्रिकेट की बॉल भी बना लेंगे, ठीक है, और उसको जो है कुछ और मटेरियल भी बना सकते हैं, तो बच्चे एक ही सिंबल का जो है कई तरह से यूज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिंबल की हेर फेर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ये प्री ऑपरेशन में बहुत पीक पर होता है। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, चलिए फटाफट पढ़कर आंसर कीजिए। हाउ डज पियाजेज थ्योरी हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, तो भाई पियाजे की जो थ्योरी है वो बच्चों को किस तरह से, टीचर्स को किस तरह से हेल्प करती है बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, बच्चों को समझने में टीचर की कैसे मदद करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं, टीचर्स कैन असिस्ट द
कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, टीचर कैन असेस द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, सिर्फ यही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझने में, फिजिकल डेवलपमेंट को समझने में, सोशल को समझने में या फिर कल्चरल को समझने में. बहुत ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है. तो ये हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज में जो है टॉप पर पियाजे की थ्योरी है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बच्चों को समझने में जो है टीचर को हेल्प मिलती है पियाजे की थ्योरी से. अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है सब करना, और ये मत सोचा करो कि मेरा गलत है, दूसरे भी मेरा कमेंट पढ़ रहे होंगे, पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, अरे इसने तो सारे ठीक कर दिए, मेरे तो सारे ठीक नहीं हो रहे. ऐसी चीज़ों को दूर हटा दो, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है. आपको अपने आप को जज करना है कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, तो आंसर ज़रूर किया जाए करना मतलब, ठीक है. नेक्स्ट है द टर्म कलेक्टिव मोनोलॉग. दिस इज समथिंग डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, जिसने अच्छे से पियाजे नहीं पढ़ा है उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है. चलो मैंने आंसर ही बता दिया आई थिंक, है ना. तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे. आई एम सॉरी गाइज, ये मेरे मुंह से आंसर निकल गया, कोई बात नहीं, आपको एक नई चीज़ पता चल गई अगर नहीं पता है तो. भाई ये जो कलेक्टिव मोनोलॉग टर्म है ये आपको पियाजे ने दी है, ठीक है. पियाजे के अकॉर्डिंग कलेक्टिव मोनोलॉग जो टर्म है वो दी गई है. होती क्या है, देखिए जो बच्चे की जो प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक है, जो वो अपने आप से बातें करता है, प्राइवेट स्पीच की बात कर रहे हैं. भाई थोड़ी सी मेरी राइटिंग ना थोड़ी ऐसी ही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके, बोल रही हूँ उसको सुन लेना, क्योंकि बहुत क्लियर राइटिंग नहीं आती है मेरी, थोड़ी सी स्पीड है तो राइटिंग भी में भी थोड़ी स्पीड रहती है, ओके. तो जो कलेक्टिव मोनोलॉग है इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है, जब वो अपने आप से बातें करता है, तो वाइगोत्स्की ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी थी कि ये जो है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बच्चे की कंस्ट्रक्टिविज्म में हेल्प करता है. बच्चा जब अपने आप से बातें कर करके खेल रहा है ना, तो वो अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाता है कि हाँ भाई मुझे अब ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये हमें हेल्प करती है. आप खुद देखिए, हम कई बार अपने आप से बातें करते हैं, अरे यार इसको उठाकर यहां रख देते हैं, चलो इसको उठाकर, मतलब कई बार हम अपना स्पेस चाहते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, ऑब्वियसली इनर स्पीच में बदल जाती है बाद में. लेकिन पियाजे का मानना था कि ये जो है ना ये वेस्ट है, ये ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है, मतलब उन्होंने कहा था कि ये आत्म केंद्रता शो करता है बच्चे की, कि बच्चा जो है दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है, बस अपने ही आप में लगा हुआ होता है. तो पियाजे ने इसको वेस्ट बताया था प्राइवेट स्पीच को, ठीक है. पियाजे के अकॉर्डिंग ये एक वेस्ट चीज है, ये बच्चे की आत्म केंद्रता की भावना को दर्शाती है और इसका कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट में, ये पियाजे ने कहा था. लेकिन वाइगोत्स्की उनके ऑपोजिट में बोलते हैं कि नहीं, इसमें डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है प्राइवेट स्पीच का. तो इस प्राइवेट स्पीच को जो है टर्म दी थी पियाजे ने, उसको बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग. इस टर्म को आप भूलना मत कभी भी, ठीक है. हो सकता है कल को आपके एग्जाम में, अगर आप DSSSB का एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी और एग्जाम में बैठ रहे हैं, टैट वैट की, यूपी टैट, सुपर टैट, REET, पता नहीं क्या क्या है, तो कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन बता रही हूं मैं आपको. तो कलेक्टिव मोनोलॉग जो है ये प्राइवेट स्पीच का नाम है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है. तो ये इसका आंसर होगा जीन पियाजे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ नॉलेज वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय पियाजे, ठीक है. तो कौन सी नॉलेज जो है पियाजे के द्वारा नहीं बताई गई है, ठीक है, किस प्रकार का ज्ञान पियाजे द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. और मैं बार बार नहीं कहूंगी कि आंसर करो, आप लोग समझदार हो ही, आंसर करते भी हो, मैंने देखा है काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो आंसर आप साथ साथ कर दिया करो, ठीक है. तो देखिए, सोशल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज, फिजिकल नॉलेज एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, ठीक है. अब देखो, पियाजे जिसको मैं कहूंगी वो साइकोलॉजी के महारथी कह सकते हैं हम इनको, है ना. इनके बिना हमारी साइकोलॉजी पूरी है ही नहीं, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते हैं. तो इन्होंने तीन तरह की नॉलेज की बात करी थी, इनमें से एक जो है वो नॉलेज नहीं है, तो वो आपको आंसर करना है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. यानी कि लिंग्विस्टिक नॉलेज की बात जो है पियाजे ने नहीं करी थी, उन्होंने बेसिकली तीन तरह की नॉलेज की बात करी थी, सोशल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज एंड फिजिकल नॉलेज. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन DSSB एग्जाम, PRT एग्जाम, ठीक है, DSSB PRT एग्जाम. तो ये मैंने नहीं बनाया है, ओके. तो ये क्वेश्चन जो है DSSB PRT एग्जाम में पूछा गया था, और मतलब मैं कहूंगी कि थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन ये था कि काफी लोगों ने इसका आंसर किया होगा सोशल नॉलेज, ठीक है. काफी लोगों ने इसका आंसर किया होगा सोशल नॉलेज. क्यों किया होगा, क्योंकि आपको लगता है कि सोशल कल्चरल जो थ्योरी है वो तो वाइगोत्स्की की है ना, पियाजे ने तो बोला ही नहीं है सोशल के बारे में. लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं. पहली चीज, पियाजे ने लैंग्वेज को जो है बिल्कुल कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी. उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप नहीं करती है, बल्कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो लैंग्वेज को डेवलप करता है. ये कहना था पियाजे का, ठीक है, कि हमारे जो विचार हैं वो हमारी भाषा को समृद्ध बनाते हैं, हमारी भाषा जो है वो विचारों को समृद्ध नहीं बनाती है, ये पियाजे ने कहा था. तो ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक नॉलेज तो आप यहीं से एलिमिनेट
कर सकते हैं। सोशल नॉलेज की जहां तक बात है, देखिए मैथमेटिकल नॉलेज और फिजिकल नॉलेज की तो ऑब्वियसली पियाजे बात करते हैं, है ना, मैथ्स की बात करते हैं, वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल में, फिर फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं कि उसके साथ जो है बच्चा इंटरेक्ट करेगा अपने आसपास की चीजों के साथ, अपने आसपास की होने वाली घटनाओं के साथ, लोगों के साथ, तो वो नॉलेज क्रिएट करता है। जहां तक सोशल नॉलेज की बात है, इसमें पियाजे ने पीयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, यानी कि बच्चे के जो सहकर्मी होते हैं, या सॉरी सहकर्मी बोल रही हूँ, सह मतलब जो उसके साथी होते हैं, ठीक है, उसके जो साथी होते हैं, साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये सोशल नॉलेज जो है वो इन्हीं से सबसे ज्यादा मिलती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। मतलब सोसाइटी का उन्होंने एज एन इंपॉर्टेंट रोल नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि सोसाइटी में रह के पीयर्स के साथ रह के जो है लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं उनके थ्रू जो है बच्चा जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, तो सोशल नॉलेज की भी उन्होंने बात की है, मैथमेटिकल नॉलेज की भी बात की है, फिजिकल की भी बात की है, बट लिंग्विस्टिक नॉलेज की बात उन्होंने नहीं की है। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ पियाजे'स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन डेवलप एनिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, टर्म पे फोकस करना भाई, जो की टर्म्स होती है ना उन पे आपको फोकस जल्दी से जल्दी करना होता है। और मैं तो यही कहूंगी कि मेरे पढ़ने से पहले फटाफट क्वेश्चन जो है पढ़ के आंसर करो, ताकि आपकी जो स्पीड है उसमें सुधार आए। और नेक्स्ट है, मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बच्चों में वैचारिक सोच, एनिमिस्टिक थिंकिंग का जो एग्जैक्ट हिंदी है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन थिंकिंग का तो मतलब तो विचार ही होगा, एनिमिस्टिक मतलब होती है बनावटी कह सकते हैं आप एक तरह से, है ना, वैचारिक सोच है जो सिर्फ विचारों तक ही सीमित है, मतलब इस तरह की सोच है, ठीक है, वो विकसित होती है कौन से स्टेज में, ये है बेसिकली मतलब एनिमिस्टिक थिंकिंग, इस टर्म को याद कर लो बस आप। तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर, मतलब चारों स्टेजेस जो है पियाजे की यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन खैर आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग सी टेट करके आए हैं, एच टेट करके आए हैं, तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों को पियाजे की चार स्टेजेस के बारे में पता ही होगा कि चार स्टेजेस इन्होंने दी थी, ठीक है। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या कहती है, मतलब क्या होता है एनिमिस्टिक थिंकिंग? देखिए एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब है कि बच्चों को ये लगता है कि जितनी भी हमारी बेजान चीजें हैं, ठीक है, बेजान या फिर मैं कहती हूँ कि निर्जीव चीजें हैं, उनमें जान होती है। जैसे कि मान लीजिए एक डॉल है किसी बच्चे के पास, ठीक है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो डॉल को जो है बच्चा खुद भी खाना खाता है तो वो डॉल को भी फीड कराता है, ठीक है, उसको लगता है कि मेरी गुड़िया को भी भूख लगी है। अगर मम्मी बच्चे की कॉम कर रही है ना, तो बच्चा जो है अपनी डॉल को भी कॉम करता है, उसको भी कंघी करता है, ठीक है, उसको भी कपड़े पहनाता है, उसको भी नहलाता है या नहलाती है, ठीक है। ये क्यों करता है बच्चा? क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि ये जो डॉल है इसमें जान है हमारी तरह, ये भी खाना खाती है, इसको भी हमें नहलाने की जरूरत है, इसको भी हमें कपड़े पहनाने की जरूरत है। तो ये जो सोच है, दिस इज कॉल्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग, कि भाई जो निर्जीव चीजें होती हैं उनमें भी जान होती भी है, वो भी हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, भागते हैं, सब करते हैं। तो बच्चे कौन सी स्टेज में ऐसा सोचते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, थोड़ा सा मैं स्पीड पर काम कर रही हूं, वैसे मेरी नेचुरल स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, लेकिन आप लोगों के एक दो कमेंट आए थे कि स्पीड थोड़ा स्लो करूं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग, ठीक है। तो यानी कि इस थिंकिंग को हम क्या कहते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल में बच्चा, जो आपका 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है, आपको पता है कि वो कितना ज्यादा अपने खिलौनों से लगाव रखता है, उसके हाथ में डॉल होती है या एनिमल्स की छोटे छोटे आप वो दे दोगे उसको, पिक्चर्स नहीं, अगर मैं खिलौने की बात करूं वो दे दोगे, तो आप देखोगे जो काम उसके साथ उसकी मम्मी कर रही है या उसके घर वाले कर रहे हैं, वो सेम काम उनके साथ कर रहा है। अगर उसने किसी को मारते हुए देखा है ना, तो वो अपनी डॉल को या अपने खिलौने को भी मारेंगे कि हाँ भाई इसने मारा था तो मैं भी मार सकता हूँ इसको, ठीक है। मतलब उनको लगता है कि इन बेजान चीजों में भी जान है, एंड दिस इज कॉल्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आज थोड़े से फिर मैंने लेवल हाई भी कर दिया, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने आधा पौना घंटा लगा के फ्रेम किए कि चलो ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाती हूँ, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड, ठीक है, मैंने खुद बनाया है क्वेश्चन, तो आप देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पियाजे, ठीक है, पियाजे के बारे में ये स्टेटमेंट कौन सी इनमें से गलत है, ठीक है, जो मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, मतलब पियाजे ने जो कहा था उसके उनके विचारों से नहीं मिलती है। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए मुझे। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग देन इन गाइडिंग टीचर्स, ठीक है, वे बच्चों की सोच को समझने में ज्यादा रुचि रखते थे, ना कि शिक्षकों के मार्गदर्शन देने में। नेक्स्ट, ही डिफाइंड डेवलपमेंट एज द एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, उन्होंने कहा था कि जो विकास है उसका मतलब ही है कि उसमें एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, सक्रिय रूप से जो है हम निर्माण
निर्माण करते हैं ज्ञान का। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज डिराइव्स थॉट, कि लैंग्वेज जो है वो विचारों को उत्पन्न करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है मतलब विचार जो है भाषा से निकलते हैं। और नेक्स्ट है ही डिफाइंड लर्निंग एज द पैसिव फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। उन्होंने सीखने मतलब लर्निंग जो है, सीखना जो है एक तरह से पैसिव है, वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया कह सकते हैं अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, ठीक है। वो एक्टिव प्रोसेस नहीं है बल्कि वो निष्क्रिय है, ठीक है। तो चलो आंसर करो फटाफट। आई एम श्योर कि इस वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं पहले ही इसी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, अगर किसी ने फोकस किया होगा तो, ठीक है। और अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो शायद वो गलत ही करेगा या करेंगी, ठीक है। तो देखो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्यों होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पियाजे ने ये बोला था कि जो हमारे थॉट्स हैं ना वो लैंग्वेज को डराइव करते हैं, लैंग्वेज डराइव नहीं करती थॉट्स को। उन्होंने कहा था कि एक तो लैंग्वेज का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये पियाजे कहते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि पहले विचार आते हैं दिमाग में, उसके बाद भाषा डेवलप होती है। भाई आप जो भी बोल रहे हो, सपोज मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं अभी आपके सामने कुछ बोल रही हूँ, इससे पहले ही ये चीज़ मेरे विचार मेरे दिमाग में आ चुकी है, ठीक है, मेरे दिमाग में आ जाती है, उसके बाद ही मैं इस लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रही हूँ जो भी मैं बोल रही हूँ। तो उनका मतलब ये था कि पहले विचार आते हैं उसके बाद लैंग्वेज आती है, तो यानी कि विचार से भाषा निकली है ना कि भाषा से विचार निकले हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था, इसलिए ये सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको इन ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग देन इन गाइडिंग टीचर्स। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप टीचर्स को गाइड करो, उनका हमेशा से फोकस बच्चों पर था कि बच्चों की जो थिंकिंग है उस पर फोकस करो, ठीक है। बच्चा क्या सोच रहा है इस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो। और चाइल्ड सेंटर्ड या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ही यही कहती है कि आपको बच्चे पर फोकस करना है, मतलब बार बार आपको टीचर को गाइड नहीं करना है, आप बच्चे को गाइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आप इतना उसको गाइड करेंगे वो उतना ही ज्यादा एक्टिव प्रोसेस में लग जाएगा अपने ज्ञान के निर्माण में, ठीक है। तो ये उनका कहना था। दूसरी चीज है ही डिफाइंड डेवलपमेंट एज एक्टिव। उन्होंने डेवलपमेंट को जो है एक्टिव प्रोसेस माना था कि जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है ना, वो बच्चा अपने आप कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो चीज बहुत एक्टिव है, वो बहुत सक्रिय रूप से काम करती है, ठीक है। और अगर मैं इस प्रोसेस की अगर आपने पैसिव देखकर आंसर ये लगाया है तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लर्निंग उसने सीखने को जो है वो उन्होंने एक निष्क्रिय प्रक्रिया बताया था। ये एक चीज है कि उन्होंने डेवलपमेंट को जो है एक्टिव बताया था, लेकिन जो लर्निंग है उसको उन्होंने निष्क्रिय बताया था, ठीक है, कि लर्निंग अपने आप में निष्क्रिय है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना ये इस लर्निंग को बढ़ावा देती है, तब जाके लर्निंग होती है। मतलब पहले जो है बच्चा कॉग्निटिवली डेवलप होता है, वो उन चीजों को समझने में सक्षम बनता है, और उसके बाद उसकी लर्निंग होती है। दैट मीन्स कि लर्निंग को बूस्ट अप किससे मिल रहा है, डेवलपमेंट से मिल रहा है, यानी कि विकास से मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। आई होप कि इसमें से काफी चीज आपको नई जानने को मिली होगी, बिकॉज देखो पियाजे जो है ना, पियाजे के बारे में तो मतलब मैंने काफ़ी डीप में पढ़ा है, लेकिन बात ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, मतलब मैंने देखा है कि बुक्स में नॉर्मली इतना होता नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर आप बेटर अपनी थिंकिंग करना चाहते हैं तो आप लोरा ए बर्क और अनिता वुल्फोक जरूर पढ़ें, मतलब अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत मोटी किताबें हैं। खैर मेरे जब मैं बीएलएड कर रही थी तो हमारी तो कोर्स की बुक थी ये, तो मुझे फॉलो करनी ही करनी थी, इसलिए मैंने इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ा है दोनों बुक्स को, तो इसलिए थोड़ी सी डीप थिंकिंग हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई है ना, क्वेश्चन पे ज़्यादा कम ध्यान तो नहीं दे रही हूँ मैं, बता देना मुझे। हु बिलीव दैट ऑल हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर मीडिएटेड बाय साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। ये किसने बोला था कि जितने भी हमारे हायर मेंटल प्रोसेस होते हैं, जितने भी हमारे जैसे तर्क हो गया, समस्या को हल करने जैसी सभी उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं, देखो पहले तो ये जान लो कि जितने भी ये हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होते हैं ना, इसमें टॉप पर मिलेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। कई बार क्वेश्चन यही हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस नहीं है या फिर है, तो याद रख लो कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग है ये हायर मेंटल प्रोसेसेस में आते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस में। तो फटाफट इसका आंसर करो फटाफट कि कौन मानता था कि ये सब चीजें जो हैं मनोवैज्ञानिक उपकरणों द्वारा मध्यस्थता की जाती है, ठीक है। थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग, तो फटाफट आंसर करो। वही है ऑब्वियसली, मैं पियाजे वाइकोत्स्की पर बना रही हूं तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि ए और बी में से आंसर है ना, ये तो आपने एलिमिनेट कर दिए होंगे। तो देखो ये कहा था आपके वाइकोत्स्की ने, ठीक है, मतलब वाइकोत्स्की जी ऐसा मानते थे
कि ये जो हमारे जो हायर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये हमारे जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं ना, इनके थ्रू मीडिएटेड किए जाते हैं। मीडिएटर इसमें साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज टूल्स, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो कल्चरल टूल्स की बात की थी, ठीक है, सांस्कृतिक टूल्स हम कह सकते हैं इनको। इन कल्चरल टूल्स में दो तरह की कैटेगरी उन्होंने बताई थी, एक तो थे हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है, बड़ा नहीं लिखूंगी, राइटिंग थोड़ी वैसे भी गंदी है, उसके बाद थे एक लैंग्वेज टूल्स इनके थे, मतलब एक टेक्निकल टूल थे, ठीक है, टेक्निकल टूल्स और एक साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टूल्स में आपके लैंग्वेज टूल्स भी आते हैं, इसमें आपका नंबर सिस्टम भी आता है, इसमें आपका जो है मतलब जो आपका ये सिंबल सिंबॉलिक सिस्टम है जिसमें ए बी सी डी और मतलब लैंग्वेज है, वो सारा साइकोलॉजिकल टूल्स में आता है, ठीक है। और उन्होंने कहा था ऑब्वियसली जो वाइगोत्स्की का मेन फोकस था वो लैंग्वेज पर था, ठीक है, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल तो लैंग्वेज को ही माना था, ठीक है। तो लैंग्वेज आपकी साइकोलॉजिकल टूल्स का पार्ट है, और टेक्निकल टूल्स में आपके हो गए जैसे कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स है, मतलब जिन टेक्नोलॉजीज से कल मतलब सपोज ना जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो वहां पर इन चीजों का बहुत ज्यादा चलन है, मतलब हर घर में आपको टैब फोन ये सब मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं तो हर चीज टेक्निकल नहीं है, है ना, गांव आज भी इतने गांव है जिनको टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो कल्चर टू कल्चर जो है डिपेंड करता है इन टूल्स के ऊपर। तो ये कल्चरल टूल्स में इनके टेक्निकल टूल्स भी आते हैं और साइकोलॉजिकल टूल्स भी आते हैं, जिनको हम मनोवैज्ञानिक टूल्स कह सकते हैं, और इनको टेक्निकल को हम कह सकते हैं तकनीकी टूल्स, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एट विच स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन स्टार्ट डेफर्ड इमिटेशन। तो मतलब कौन सी पियाजे की डेवलपमेंट की थ्योरी है जहां पर बच्चे जो है डेफर्ड इमिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, मतलब शुरू कर देते हैं स्टेज से, ठीक है। तो फटाफट बताइए, अगर आपको डेफर्ड इमिटेशन का मतलब पता है तो शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आराम से कर सकते हैं। देखिए डेफर्ड इमिटेशन होते क्या है, जब कोई बच्चा है, सपोज एक बच्चा है, उसके सामने उसकी मम्मी, मैं मम्मी से एग्जांपल लूंगी क्योंकि मम्मी ज्यादा करीब होती है, सपोज मम्मी सामने नहीं है, ठीक है, मम्मी के पीछे से जो है, सपोज मम्मी दूसरे कमरे में चली गई, ठीक है, और बच्चे से कोई पूछता है कि मम्मी कैसे करती है, मम्मी किस तरह का बिहेवियर करती है, मम्मी कैसे हंसती है, मम्मी कैसे रोटी बनाती है, इस तरह की चीजें पूछे, तो बच्चा जो है इस मम्मी के बिहेवियर को याद रखता है और इमिटेट भी कर सकता है, मतलब वो दर्शा भी सकता है, एक्टिंग करके दिखा सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड इमिटेशन, मतलब उन मॉडल्स, मॉडल्स कह सकते हैं ना जिनको रोल मॉडल बच्चा मानता है, मॉडल्स मतलब क्या होते हैं, आपके सामने जिनको आप कॉपी कर सकते हो, है ना, जिनको जिनके बारे में आप एक्टिंग करके दिखा सकते हो, जिनको आप याद कर सकते हो, जिनके बारे में आपको सोचना अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं इसकी एक्टिंग करूंगा, जो भी है इस तरह से। तो बच्चों के लिए ये मॉडल जो है, इनका बिहेवियर जो है, इसको याद रखना और इसको कॉपी करना जब ये मॉडल उनके सामने प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है। तो मम्मी यहां पर थी नहीं उसके सामने, लेकिन स्टिल अगर उसने किसी ने उससे पूछा कि मम्मी कैसे रोटी बनाती है, तो बच्चा आपको बता देगा कि हाँ ऐसे मम्मी रोटी बनाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डेफर्ड इमिटेशन। तो ये कौन से स्टेज में शुरू कर देता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर, ठीक है। और ये सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बच्चा स्टार्ट कर देता है, हालांकि चलता ही यहां तक है, प्री ऑपरेशन तक चलता है, ऑब्वियसली बच्चे एक्टिंग करना मतलब करते ही हैं, 3 साल का बच्चा, 3 से 4 साल तक तो लगातार वो एक्टिंग करते ही करते हैं, लेकिन जो है सबसे पीक पे यहाँ यहीं पर होता है, जो लेटर सेंसरी मोटर स्टेज होती है आप कह सकते हैं 1.5 से 2 ईयर्स तक का बच्चा जो है काफी करता है, ठीक है, हाथ से एक्टिंग करके दिखा देगा कि मम्मी ऐसे रोटी बनाती है, ठीक है, या फिर आपको कहेगा कि आप बैठो मैं रोटी बना के दिखाऊंगा इस तरह से जिस तरह से मम्मी बताती है, अपने आप से भी कर सकता है और या कोई पूछे तो भी कर सकता है, ठीक है, वो बच्चे के दिमाग पर है, उसको ध्यान आ गया कि ठीक है मम्मी ऐसे करती है, तो वो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीजें हैं, तो ये स्टार्ट होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे प्रपोज्ड दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व, ठीक है, कि जो प्री ऑपरेशनल बच्चे होते हैं, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं, वो संरक्षण नहीं कर पाते हैं। ही एट्रीब्यूटेड दिस इनएबिलिटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा है कि अगर वो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, तो मतलब ये किस चीज को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, पर्सनल फेबल, इररिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर आप करिए, ठीक है। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इररिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। देखिए जो कंजर्वेशन है, ठीक है,
कंजर्वेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता क्या है, इसका बेसिकली वही है कि अगर कोई चीज़ बच्चे के सामने रखी है, ठीक है, आपने उस चीज़ में बच्चे के सामने फेर बदल कर दिया, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, वो उसी से समझाती हूँ। सपोज इस यहाँ पर एक ग्लास था, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास था, ग्लास से जो है कटोरी के अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, आपने बच्चे के सामने डाला आपने, ठीक है, लेकिन बच्चे ने क्या किया कि देखा कि हाँ भाई पानी तो यहीं डाला जा रहा है, लेकिन अगर आप बच्चे से पूछेंगे प्री ऑपरेशन चाइल्ड से, तो बताओ पानी की मात्रा में कम हुई, ज्यादा हुई कि कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा कहेगा पानी तो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये चौड़ी है, चौड़ाई पर उसका फोकस नहीं रहेगा, लेकिन ये सोचेगा कि ग्लास तो लंबा था ना, तो ग्लास से पानी गया, यानी कि ग्लास लंबा था लेकिन छोटा हो गया, यानी कि पानी भी कम हो गया, तो बच्चा कहेगा पानी कम हो गया। मतलब मोस्टली प्री ऑपरेशनल चाइल्ड ऐसा कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है कंजर्व नहीं कर पा रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि उसके सामने जो चीज हुई है उसमें ना कुछ घटाया गया है ना कुछ बढ़ाया गया है, फिर भी जो अमाउंट है वो सेम ही होगा, वो ये चीज नहीं देख पाता है। और ये इसीलिए नहीं देख पाता क्योंकि उसमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, वो पलटकर इस प्रोसेस को नहीं देख पाता है कि ये पानी आया कहां से है। जब वो सोचेगा ना, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसकी जो सोच है सिर्फ इस बर्तन तक सीमित रह जाएगी, वो यहां पर नहीं देखेगा, ठीक है। दूसरी चीज, वो इस पर इसकी डायमेंशन पर फोकस नहीं करेगा कि अगर ये लंबा है तो भाई ये जो है आपका ये चौड़ा है, ठीक है, वो इन चीजों पर फोकस नहीं कर पाता है। तो इसी यही होता है कंजर्वेशन। ओके, तो कंजर्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है रिवर्सिबिलिटी और एक होता है आपका सेंट्रेशन, ठीक है। ये दो चीजें होती है कंजर्वेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, ये सब आपके फॉर्मल ऑपरेशनल के पार्ट हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बता देना, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल मैंने दिया है आज, और खैर पियाजे पर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं और आसान भी बनते हैं। पिछले साल जो आपके केवीएस में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे तो जस्ट ये बताना था कि स्टेजेस से मैच करना था, और केवीएस पीआरटी का पेपर भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है। ओके, तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी से अगर ये कहोगे कि ये भी करा दो, वो भी करा दो, वो भी करा दो, फिर ना सब मैसअप हो जाएगा एकदम से। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजे पर्टेन्स टू, मतलब मेजर डिफरेंस क्या है वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी में, ये आपको बताना है। द क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, कि भाई दोनों ने जो है व्यवहारवाद की आलोचना की है, ठीक है, ये बताना है आपको, मतलब ये हो सकता है। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग ए नर्चरिंग एनवायरमेंट टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को जो है पालन पोषण का परिवेश जो है उपलब्ध, मतलब बच्चों को एक नर्चरिंग, मतलब उनकी पालन पोषण जो है अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, उनके जो भाषा और चिंतन के बारे में विचार थे। देयर कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टिव ऑफ लर्नर, यानी कि जो भी उनकी सोच थी कि भाई बच्चा जो है एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, इसमें डिफरेंस था। मतलब ये पूछा है कि डिफरेंस किस में है, ठीक है, इनमें जो है हो सकता है कि ये दोनों इस पे ना एकमत हो सकता है कि इसमें इनमें डिफरेंस हो, इसमें इनमें डिफरेंस हो, या इसमें इनमें डिफरेंस हो। तो आपको ये बताना है कि पियाजे और वाइगोत्स्की में जो है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है उस पे उन दोनों के विचार नहीं मिलते थे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का। देखो, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है। ऑब्वियसली मैं वही फिर से वही बात कहूंगी ना, अब जितने लोगों ने पहला ध्यान से सुने होंगे पहले जो क्वेश्चन में वाइगोत्स्की पियाजे के किए हैं, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। फिर कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन हो गया, अरे भाई आपने अभी तो सीखा है ना, मतलब ये डिफरेंस अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो ऑब्वियसली आप कैपेबल होंगे उस चीज को बताने में। तो देखिए, लैंग्वेज थॉट पर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लैंग्वेज और थॉट पर दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, लेकिन पियाजे ने इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को नहीं जगाता एक तरह से, लेकिन वाइगोत्स्की कहते थे नहीं, लैंग्वेज है जो आपके थॉट प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। तो इस पर जो है दोनों के विचार नहीं मिलते थे। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखो, पुष्पा जो थी अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो कर पा रही है किसी अडल्ट की और पीयर की गाइडेंस में, मतलब अडल्ट मतलब कोई वयस्क हो सकता है और पीयर मतलब कोई साथी हो सकता है, ठीक है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया तो वो इस स्थिति में ऐसा कर पा रही थी। तो इस गाइडेंस को हम क्या बोलेंगे, ये आपको आंसर करना है। तो फटाफट इसका आंसर करो, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे, लेटरलाइजेशन बोलेंगे, या फिर स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, फटाफट से बताओ इसका आंसर।
ठीक है, देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है, इसको हिंदी में मचान भी बोलते हैं शायद, और सहारा देना, जो भी आप सही समझे। तो स्कैफोल्डिंग जो है, देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन शायद ZPD में कई लोगों को हुआ होगा, तो मैंने अगर आपको, देखिए ZPD का मतलब क्या है ये समझा देती हूँ, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी समझाया था, मुझे याद नहीं है समझाया था कि नहीं समझाया था, बट शायद समझाया था क्योंकि काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड की थी ना, तो याद नहीं है, ठीक है। ZPD होता क्या है, ये बच्चा है, ठीक है, ये इसके बाहर का जोन है, और ये ऐसा जोन है जहाँ पर बच्चा, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जो सबसे आउटर एरिया है ना, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क एरिया, ठीक है, यहाँ तक बच्चा पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप कहेंगे बच्चे, छोटे से बच्चों को आप बहुत बड़ी चीज़ करने को बोल देंगे, सपोज सेकंड क्लास के बच्चों को 10th क्लास का काम करने को बोलेंगे, तो वो इस जोन तक तो पहुँच ही नहीं सकता ना, तो ये जोन तो आउट ऑफ कवरेज एरिया लगा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद तो ये चाइल्ड, यहाँ तक बच्चा जो है सब कुछ कर सकता है अपने आप पे, ठीक है, सब कुछ कर सकता है। अब ये जो बीच का जो खाली जोन है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी पीयर ने थोड़ी सी हेल्प कर दी इसको, तो ये बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ी सी हेल्प के साथ। तो दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो एरिया है इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। लेकिन जिस शख्स ने इसको हेल्प किया है, जिस इंसान ने इस बच्चे को हेल्प किया है, उसने क्या किया है, उसने जो गाइडेंस दी है वो गाइडेंस क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो वो उस गाइडेंस को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका जोन है, इसमें ये नहीं पूछा कि इस लेवल को क्या बोलेंगे, इसने पूछा है कि उस गाइडेंस को क्या बोलेंगे, ठीक है, उस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, तो इस मार्गदर्शन को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोन की, उसके लेवल की बात नहीं की गई है, यहाँ पर ये कहा कि भाई वो पहुंच गया, ठीक है, किसी ने उसकी हेल्प करी और वो पहुंच गया, तो भाई ये गाइडेंस किस तरह की गाइडेंस थी, तो ये स्कैफोल्डिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये मेजर डिफरेंस है, थोड़े से क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट इसी से बन जाते हैं, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट करना, मैं देखती हूँ आज जो है कितना स्कोर एवरेज आप लोग कर पा रहे हैं ना, फिर क्वेश्चन का थोड़ा जजमेंट हो जाएगा कि इजी था कि डिफिकल्ट था कि मॉडरेट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज, ठीक है। तो भाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, मेंटल डेवलपमेंट में जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ लो इसको, ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इनमें से, ये बतानी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, ठीक है। मुख्य विशेषता क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, अगर हम सही बात करें तो, ठीक है। फटाफट से आंसर कीजिए 9th क्वेश्चन का। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। अमूर्त चिंतन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होकर पीक पर भी पहुंचता है इस स्टेज में। 11 प्लस इयर्स की बात यहाँ पर हो रही है, 11 साल से बड़ा बच्चा जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन में आता है, यानी कि पियाजे के द्वारा जो चौथी स्टेज बताई थी उसके अंदर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बच्चा जो है केवल कंक्रीट यानी कि मूर्त चीज़ों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि अगर आप उससे ऐसी भी चीज़ें पूछ लेते हैं जो उसने कभी सुनी ना हो, जो उसने कभी देखी ना हो, उनके बारे में भी बच्चा सोच सकता है। अमूर्त चिंतन होता क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो चीज़ आपके सामने मूर्त रूप से नहीं उपस्थित है, जो आपके कंक्रीटली आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, वो सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चली जाती है ना, उन चीजों के बारे में भी आप अगर सोच रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ठीक है, जो मतलब प्रेजेंट ही नहीं है आपके सामने, ठीक है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, उन चीजों के बारे में भी आप सोच पा रहे हैं, या फिर कोई चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है उसको दिमाग में लेकर आप कर पा रहे हैं, इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, इन सब में आपको, ज्योमेट्री हो गई, इन सब में आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है फॉर्मल ऑपरेशन का, कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। ओके, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है, ये बताना है आपको कि सोशल कल्चरल थ्योरी जो वाइगोत्स्की की थी उस पर बेस्ड है, ठीक है। चार चीजें दी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इन वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फटाफट से आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशनल ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, सक्रिय अनुकूलन, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, उसके बाद कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर इनसाइट लर्निंग। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। ये टीचिंग बेसिकली रीडिंग के लिए होती है, पठन के लिए कह सकते हैं इसको, रीडिंग डेवलपमेंट के लिए होती है, और इसमें जो है बच्चे एक ग्रुप में बैठकर पढ़ते हैं, ठीक है। टीचर उनको समझाता है, बीच बीच में हिंट देता है, क्यूज देता है, और मतलब एक तरह से टीचर यहाँ पर स्कैफोल्ड करता है, जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था ना स्कैफोल्डिंग वाला, तो स्कैफोल्ड करता है, वो बच्चों को प्रॉम्प्ट देता है, क्यूज देता है, और उनको टेक्स्ट जो है वो रीड करने में, उनको क्वेश्चन करने में, उनको आंसर करने में, कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, पठन में हेल्प, बेसिकली रीडिंग एक्टिविटी होती है एक तरह की, ठीक है, रेसिप्रोकल
टीचिंग, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की ने, मतलब इनकी थ्योरी से रिलेटेड है रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। ऑपरेट कंडीशनिंग तो होगा नहीं, आपको पता है बिहेवियरिस्ट बिहेवियरिज्म से है। कल्चरल न्यूट्रल मतलब कि कल्चर का रोल ही नहीं है कोग्निटिव डेवलपमेंट में, ये यहाँ पर ये मतलब था इसका। संस्कृति निरपेक्ष का मतलब है कि संस्कृति के बिना जो है संज्ञानात्मक विकास, तो ऑब्वियसली वाइगोत्स्की जो है कल्चर को सपोर्ट करते थे तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इनसाइट लर्निंग भी इनका नहीं था, इसकी एक अलग से थ्योरी है इनसाइट लर्निंग की, ठीक है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।